एक बार फिर से आपका स्वागत है द यूनिक पॉइंट कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमने 9 क्वेश्चन पढ़ लेते, आज अपना क्वेश्चन नंबर 10 है जिसका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि अपने पास है दोनों के बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। आगे अपने पास 10 30, सॉरी यहाँ पर 10 30 का मान है भाई। 30 का मान होता है 1/√3, अपने ये मेन बटा है भाई, तो मेन बटा लगेंगे अपन। आगे है 1 - 10 30 का मान, हमें पता है कि सारणी में से हम देख सकते हैं 1/√3। यदि इसके ऊपर स्क्वायर का प्रयोग है तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए इनको गुणा कर देंगे भाई अपन, यानी इसके नीचे भी हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, बटा में अपने पास 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3, मेन बटा जो अपने ये चल रहा है इसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अपने पास है 1 - 1 का वर्ग हमें पता है भाई 1 होता है, और √3 का वर्ग हमें पता है 3 होता है। आगे अपने पास हो गया 2/√3 मेन बटा, इसके हम लघुतम लेंगे, यानी इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं भाई, 1 मान सकते हैं। लघुतम लेंगे, लघुतम कितने आएंगे भाई अपने पास, 3 आएंगे। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। आगे माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। आगे देखते हैं, आगे अपने पास है 2/√3 और इसके नीचे है भाई अपने पास जो मेन बटा चल रहा है, अब यहाँ पर जो मेन बटा चल रहा है मैं निशान करते हुए चल रहा हूँ, उसके ऊपर भी 3 में से 1 हटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 2/3। अब हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वह है ABCD का, यानी 4 चरणों में हमें ये नज़र आ रही है भाई, यानी भाग के रूप में नज़र आ रही है। भाग को हम किस में चेंज करते हैं भाई, गुणा में चेंज करते हैं। तो गुणा में किस प्रकार चेंज करेंगे कि 2/√3 गुणा, यानी जो डी है वो चला जाएगा ए के पास, यानी 3 यहाँ आ गया, और सी चला जाएगा बी के पास, तो यानी 2 यहाँ चला जाएगा √3 के पास। 2 को 2 से काट देंगे, आगे अपने पास बचा भाई 3√3। 3√3 यानी हर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हर के अंदर हमें नज़र आ रहा है भाई रूट की संख्या आई हुई है। तो रूट की संख्या जब भी हर के अंदर नज़र आए अपने को, तो उसको हम हटाते हैं। हटाने का जो प्रक्रिया वो है परिमेयकरण, हर का क्या कर देंगे भाई, हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी इसी √3 को ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। 3 को 3 से काट देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे भाई √3, जो कि हमारे आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि x का मान ज्ञात कीजिए, हमें जो भाई क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि इस समीकरण में नजर आ रहा है x, यहाँ पर नजर आ रहा है भाई, cos के साथ क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। इस x की जगह कौन सी डिग्री आएगी, यानी भाई कौन से कोण की मान आएगा, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। आगे आइए इसको ज्ञात करके देखते हैं भाई, हल करते हैं। अपने पास है cos x बराबर, जैसा कि हमें पता है cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है भाई 1/2। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे भाई अपन, गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। हमें पता है cos 30 का मान √3/2, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस। sin 60 का मान, हमें पता है सारणी में से देख सकते हैं अपन √3/2, कोई चिन्ह प्रयोग नहीं है तो गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। और साइन 30 का मान होता है भाई 1/2। आइए आगे सरल करते हैं इसे। कॉस एक्स बराबर 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इनके जो लघुतम आ रहे हैं वो क्या आएंगे भाई अपने पास, लघुतम आ गए 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो भाई √3 + √3, यानी सेम प्रोसेस रहेगी। इसके आगे हम 1 मान सकते हैं भाई, √3 के आगे क्या मान सकते हैं सर, 1 मान सकते हैं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या, सॉरी 1 को 1 में से जोड़ देंगे तो क्या आएगा भाई, यानी इनका हम सम लेंगे तो अपने पास आ गया 2√3, और बट्टे में अपने पास चल रहे हैं 4। 2 से काट देंगे इसको तो अपने पास आ गया भाई √3/2। 2 को 2 से काट दिया और 2 को 4 से भी काट दिया, 2 बार और 2 को 1 बार, अपने पास आ गया √3/4। हमें पता है भाई √3/2 किसका मान है भाई, कॉश 30 का मान है। √3/2 किसका मान है भाई, कॉश 30 का मान है। तो इसकी जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं,
कॉस 30 का मान प्रयोग कर सकते हैं, यानी कॉस 30 यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस 30, रूट 3/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 30 लिख सकता हूँ। कॉस से कॉस काट दूंगा तो एक्स बराबर क्या बचा मेरे पास, 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, यानी इसमें भी अपने को x का मान ही ज्ञात करना है। साइन 2x यहाँ x हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इस x का मान हमें ज्ञात करना है भाई। तो आइए देखते हैं कैसे किस प्रकार अपन इसको ज्ञात करते हैं। अपने पास है साइन 2x बराबर साइन 60 का मान हमें भाई पता है कि √3/2, दोनों के बीच कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे। कोस 30 का मान हमें पता है √3/2, आगे माइनस है तो माइनस का प्रयोग। कोस 60 का मान होता है भाई 1/2, और साइन 30 का मान क्या होता है भाई 1/2। ये सारे मान अपन सारणी में से ले सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको सारणी बनाना सिखाया गया है, जिससे आप आसानी से सारणी बना सकते हैं। आगे अपने पास साइन 2x बराबर गुणा करेंगे √3 को √3 से तो 3, और 2 को 2 से तो 4, माइनस 1 को 1 से तो 1, और 2 को 2 से तो 4 आ जाएंगे भाई अपने पास। लघुतम लेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिए थे, लघुतम अपने पास आ जाएंगे 4, तो यहाँ आ जाएंगे 3 - 1, यानी 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो भाई माइनस के 3, इसी प्रकार 1 आ जाएंगे अपने पास। आगे है अपने पास साइन 2x बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4, 2 × 2 और 2 × 4। आगे अपने पास आगे हैं साइन 2x बराबर 1/2, हमें पता है कि साइन की लाइन के अंदर, साइन के अंदर अपने पास 1/2 किसका मान है भाई, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसकी जगह मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ, साइन 30। तो साइन 2x बराबर साइन 30 का प्रयोग कर लेंगे भाई। 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30, क्योंकि साइन 30 ही 1/2 का मान होता है। साइन से साइन को काट देंगे भाई तो 2x बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर 2 किस में है भाई, x के साथ क्या संबंध है इसका, गुणा का संबंध है, यहाँ गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो भाग यानी पक्षांतरण कर देंगे भाई इसका अपन, एक बार और 15 बार, x बराबर 15 डिग्री, जो कि हमारे आंसर हैं भाई। आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, x का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे इसे, जैसा कि हमारे पास x है जो कि √10 2x के पास हमें x नज़र आ रहा है, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। आगे हमारे पास है √3 tan 2x बराबर, हमें पता है भाई साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और दोनों के बीच में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया तो हम यहाँ पर गुणा का प्रयोग करेंगे। और cos 45 का मान हमें पता है कि भाई 1/√2, आगे प्लस तो प्लस 2 × 2 sin 90 का मान हमें पता है भाई 1 होता है। आइए सरल करते हैं इसे, √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे, यानी सबसे पहले हम गुणा का चिन्ह सरल करेंगे, यानी बोर्ड मास नियम का प्रयोग करना है भाई हमें। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, इसके नीचे हम भाई 1 मान सकते हैं, जिसे हमें सभी भिन्न के अनुरूप में नजर आने लग जाए। √3 tan 2x बराबर लघुतम इनके आएंगे हमारे पास 2, तो 1 + 1 + 4 लिख सकता हूँ भाई मैं, यानी 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, इसी प्रकार 1 का भाग 2 में दो बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे। जोड़ेंगे भाई इनको अपन, सभी का सम लेंगे अपन, 2x बराबर 1 × 2 × 2 = 6 6/2 काट देंगे तो अपने पास आ जाएंगे भाई 3 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे भाई 3। आगे हमारे पास है √3 tan 2x = 3, हमारे पास भाई आगे हैं 3, यहाँ हमें पता है √3 किस में नज़र आ रहा है भाई अपने को, गुणा के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ यदि गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो tan 2x = 3/√3, यानी जो ये √3 गुणा में था वो यहाँ किस में आ गया भाई,
भाग में आ गया है। हमें पता है भाग में आते अपन क्या करेंगे, यानी हमें हर के रूप में क्या नजर आ रहा है, हर के रूप में हमें नजर आ रहा है कि ये रूट की संख्या हर में आ गई है। यदि रूट की संख्या हर में आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, प्रिमेयकरण करते हैं, यानी उसी संख्या को ऊपर नीचे यानी हर हुए अंश से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे भाई अपन, टेन टू एक्स बराबर तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो रूट तीन, सॉरी तीन रूट तीन, और रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो तीन, तीन एक बार और तीन एक बार। हमारे पास आ गया भाई अब टेन टू एक्स बराबर रूट तीन, और हमें पता है रूट तीन किसका मान है, रूट तीन किसका मान होता है भाई, रूट तीन होता है टेन साठ का मान, यानी उसी लाइन में देखना है जिसमें अपने को ज्ञात करना, जिससे हम आसानी से काट सकते हैं, टेन को टेन से काट सकते हैं, इसलिए अपन टेन की सारणी में ही इसका मान देखेंगे। तो हमारे पास पता है कि टेन टू एक्स बराबर होता है टेन साठ डिग्री, भाई रूट तीन किसका मान होता है भाई, टेन साठ का मान होता है, टेन से टेन को काट देंगे तो हमारे पास बच गए टू एक्स बराबर साठ डिग्री, यहाँ दो एक्स के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, साठ बटा दो काटेंगे तो अपने पास आ जाएंगे भाई तीस, तो एक्स बराबर तीस डिग्री जो कि हमारे आंसर है। फ्रेंड्स इसे आप अपने नोटबुक में सेव कर सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। वीडियो के साथ साथ आप नोटबुक भी रखा करो, जिसे आप आसानी से उतारते चलो और वीडियो को देखते चलो, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा आप हमें बताएं, जिसे हम और भी सरल तरीके से और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, और आगे इसे शेयर भी कीजिए, जिससे आपके कई फ्रेंड को आपके साथ एक अच्छा व्यवहार भी प्रकट होगा कि भाई इसने मेरी हेल्प की है, तो उस हेल्प के रूप में भी आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा इसी YouTube चैनल के, अपने द यूनिक पॉइंट कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।